नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और ये न केवल हिल स्टेशनों के लिए जाना जाता है बल्कि अपने अनोखे लुभावने और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध गांवों की वजह से भी प्रसिद्ध है। और अगर आप भी इन गर्मियों के दिनों में किसी अच्छी जगह पर घूमना चाहते हैं तो इस बार उत्तराखंड के इन गाँव में आप जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माणा गाँव की। बता दें कि उत्तराखंड में भारत चीन सीमा पर बसा पहला गांव है जो कभी आखिरी गांव हुआ करता था और ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। भारत में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ से कुछ ही दूरी पर मौजूद माणा 3219 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की हरियाली इस कदर खूबसूरत लगती है कि देखने वाला भी मंत्रमुग्ध हो जाता है। ये गांव चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है, साथ ही यहाँ की हरियाली आंखों को सुकून पहुंचाने का काम करती है। वहीं दूसरा खास गाँव है कलाब। ये गाँव शहरी शोर शराबे से कोसों दूर है। ये गांव यहां आने वाले हर यात्री को यहीं बसने पर मजबूर कर देता है। ट्रैकिंग के लिए भी ये जगह काफ़ी अच्छी है। ऊपरी गढ़वाल क्षेत्र में 2286 मीटर ऊंचे इस गांव तक पहुंचने के लिए ट्रैकिंग करनी पड़ती है। कलाब की ओर जाने वाली सड़कें काफ़ी रोमांचक हैं। वहीं अब बात करते हैं मुनस्यारी गाँव की। मुनस्यारी गाँव 2200 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है और 5 बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है जिसे पंचाचुल चोटियों के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मुनस्यारी बेहद खूबसूरत है और हिमालय पर्वत और पंचाचुली चोटियों से घिरा हुआ है जिसमें नंदाकोट, नंदा देवी और राजा रंभा शामिल है। वहीं अब बात करते हैं खिरसू गांव की। बता दें कि खिरसू गांव गढ़वाल की पहाड़ियों में बसा एक गाँव है जो अपनी सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। ये गाँव सेब के बागों के बीच बसा हुआ है ये गांव सेब के बागों के बीच बसा हुआ है। साथ ही यहां आपको घने ओक और देवदार के जंगल दिखेंगे जो किसी खूबसूरत दुनिया की तस्वीर पेश करते हैं। शांत वातावरण और देहाती आकर्षण खिरसू को उत्तराखंड में एक खूबसूरत गांव बनाता है। तो अगर आप यहां नहीं गए हैं और एक बार जाने का प्लान है? तो एक बार जाने का प्लान जरूर बनाइए और आनंद लीजिए खूबसूरत पहाड़ों का।